इधर यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला आक्रामक होता जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने काला सागर में हमला करने आए यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। ये समंदर में चलने वाले ड्रोन है जो रूस के नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने की फिराक में थे। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के 6 तेज रफ्तार ड्रोन बोट ने एक साथ रूस के जंगी जहाज पर हमला करने का प्रयास किया जिसे नाकाम कर दिया गया। रूस के मुताबिक उसे काला सागर में गैस पाइपलाइनों पर यूक्रेन की ओर से हमले का खतरा महसूस हो रहा है तो उसी की निगरानी के लिए रूस का युद्ध पोत गश्त लगा रहा था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने रविवार तड़के सेवस्तोपोल से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया और इस दौरान अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन काला सागर के ऊपर मंडरा रहा था। हाल ही में यूक्रेन के खर्सोन में निप्रो नदी पर बने एक डैम पर हमले की खबर आई थी जिसके बाद वहां आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। अब वहां से नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें जारी कर रहा है रूस। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने रविवार को यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में कोखोका डैम के ढहने के बाद बचाव अभियान दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में बचाव कार्य में जुटा एक अधिकारी कह रहा है कि पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है और अब करीब 1 मीटर यानी कि कमर तक पानी है जो पिछले दिनों के मुकाबले बहुत कम है। वीडियो में दिख रहा है कि पालतू जानवरों को बचाने की कोशिश की जा रही है और जरूरतमंद लोगों को पीने का पानी दिया जा रहा है। डैम टूटने के बाद इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है। खेरसोन का वो डैम किसके हमले की वजह से टूटा ये अभी तक साफ नहीं है लेकिन डैम टूटने के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग फंसे हुए हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। दक्षिणी यूक्रेन का ये हिस्सा डैम टूटने के बाद बाढ़ में डूब चुका है। खेरसोन क्षेत्र में जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, घरों में पानी घुस गया और वहां भी जो अनाज रखे थे वो भी बाढ़ के साथ बह गए। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है ना ही सब्जियां है। युद्ध के बीच अपनी जिंदगी को समेट कर चलने वाले ये लोग अब नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि एक बार फिर रूस की सबसे बड़ी सैन्य लड़ाकों की कंपनी ने धमकी दी है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया कि वो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। दरअसल रूस का रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को अपने अंडर में लेने की कोशिश में है और इसी से वैगनर ग्रुप के चीफ खफा हैं, जिन्होंने रविवार को वीडियो संदेश जारी किया और कह दिया कि उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है। शनिवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रक्षा मंत्री शोइगु ने स्वयंसेवी टुकड़ियों को महीने के अंत तक अपने मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था जिसके बाद रूस की सेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वैगनर समूह के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन ने इसे खारिज करके मॉस्को को बड़ा झटका दिया। इस बीच रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले तेज कर दिए हैं और वीडियो जारी करके बताया है कि यूक्रेन को यूरोप से मिले लेपर्ड टैंक भी उसके निशाने से बच नहीं सकते। वीडियो में टैंकों पर हमला करते हुए ड्रोन दिख रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के टैंकों ने पिछले 24 घंटे में हमले शुरू करने के असफल प्रयास किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इसमें पश्चिमी मुल्कों से यूक्रेन को सप्लाई किए बख्तरबंद वाहन शामिल थे जिसमें लेपर्ड टैंक के साथ ब्रैडली लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं जिन्हें ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने पिछले कई दिनों से 1 दर्जन से अधिक यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया और जैपोरिजिया में 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड की बख्तरबंद गाड़ियों के कॉलम को नष्ट कर दिया।